हाय एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला क्लास में जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव किए थे उसके रेट कांस्टेंट का, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, अभी तक जितना पढ़े हैं उस आधार पे जो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं या जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में उसको ज़रा हम लोग देखते हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4.9। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। कोई रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, तो ए के रिस्पेक्ट में जो इसका ऑर्डर है वह 1 है फर्स्ट ऑर्डर, और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वह 2 है मतलब सेकेंड ऑर्डर। तो बोल रहा है कि इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो रेट इक्वेशन लिखो। तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वेशन यदि इसका लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, तो रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बोल रहा है कि ए में फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका पावर रहेगा 1, पावर नहीं भी दोगे तो चलेगा, और बी के केस में क्या है सेकेंड ऑर्डर, तो यहाँ पावर रह जाएगा 2। ऐसा कि फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, तो पहला का आंसर ही हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 times, कि जब इसमें बी के कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन के रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग मान लेते हैं अभी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है वह एक्स है, तो इस केस में जब इसका रेट लिखोगे तो रेट बराबर हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब व्हेन, जब कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है 3 गुना हो गया मतलब 3x, तो अब लिखो रेट, इसको रेट 1 मान लो, इसको रेट 2 मान लो, तो हो जाएगा के ए और बी के जगह अब लिखना होगा 3x का स्क्वायर, तो हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए 9x स्क्वायर। अब क्या करो कि रेट 2 को जो है डिवाइड कर दो रेट 1 से, तो रेट 2 हम लोग का है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए 9x स्क्वायर, और ये है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर, तो ये सब कट जाएगा। तो ये जो रेट 2 है वह हो जाएगा 9 इंटू रेट 1, रेट 1 को उधर ले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बी के कंसंट्रेशन को हम लोग 3 गुना किए तो जो रिएक्शन का रेट है वो कितना टाइम्स बढ़ गया, 9 times इंक्रीज कर गया। तो ऐसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। इस बार क्या बोल रहा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल्ड, कि इस बार ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जा रहा है तब रेट कैसे चेंज करेगा। तो तीसरा नंबर में हम लोग इसको बनाएंगे, तो क्या बोल रहा है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया है 3 times, तो इसको डायरेक्ट 3a कर दो, और कंसंट्रेशन या एक्स मान के भी कर सकते हो, सॉरी 3 times नहीं, दोनों का डबल हो गया है, तो ये जाएगा 2 into b। या फिर इसको x और y कुछ मान करके ही चलो, मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ a है x के बराबर और b है y के बराबर, तो जो रेट एक्सप्रेशन आएगा रेट 1 वो क्या आ जाएगा, k और a है, a मतलब x और b है, तो b का कंसंट्रेशन y मान है और इसका स्क्वायर है, तो इसको मान लो 1। और अब बोल रहा है कि जब a के कंसंट्रेशन 2 गुना हो गया और B का भी कंसंट्रेशन 2 गुना हो गया मतलब दोनों डबल हो जाएगा, ये 2x और 2y, तो अब जब निकालोगे तो ये रेट 2 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू 2x का स्क्वायर
या 2x का स्क्वायर नहीं, केवल ये है तो यहाँ 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर, तो k इंटू 2x और ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8kxy स्क्वायर। अब पीछे से एक रो डिवाइड कर दो, रेट 2 डिवाइडेड बाई रेट 1, ये है 8kxy स्क्वायर और यहाँ हम लोग का ये आया है के एक्स वाई स्क्वायर, तो इधर ही पूरा कट गया, तो ये रेट 2 बराबर हो गया 8 इंटू रेट 1, मतलब इस बार रिएक्शन का रेट कितना हो गया, 8 गुना हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, इसी को जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही कि रेट इक्वेशन के आधार पे कंसंट्रेशन को जो है वेरी किया जाएगा और पूछा जाएगा कि रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, आसान है और इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में हमेशा इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आता ही है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, दो क्वेश्चंस और हम लोग लिखे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हैं दोनों। क्या है क्वेश्चन देखते हैं, 4.3 पॉइंट थ्री, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज 200 पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब के पता है हम लोगों को 200 पर सेकेंड, हाफ लाइफ निकालना है और दिया हुआ है कि कैसा रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ का हम लोग एक्सप्रेशन पढ़े हैं टी हाफ बराबर क्या था 0.693 बटे के, बस यहाँ पुट कर देना है हो जाएगा 0.693 के का वैल्यू दिया हुआ है 200, तो 200 देखो पर सेकेंड, इसको सिंप्लीफाई करोगे पॉइंट हटा दोगे तो नीचे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 10^3 से, तो इसको ऐसे लिख दो ऊपर 693/2 इंटू 10^3 और यहाँ 2 हो जाएगा 10^5 पर सेकेंड, ऊपर जाएगा तो सेकेंड, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 3.46.5 इंटू 10^-5 सेकेंड, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इसको इधर ले आओ तो 3.465 इंटू 10^-3 सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यदि हाफ लाइफ निकालना हो तो एकदम आसान सा चीज़ है और एग्जामिनेशन में जो है ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक स्टेप का है बस, हो सकता है कि कभी हाफ लाइफ दिया हुआ रहे रेट कॉन्स्टेंट पूछ दे, रेट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है हाफ लाइफ पूछ दे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके मदद से इसको हम लोग निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन इसी का है 4.16 कि द रेट कांस्टेंट ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 60 पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू इट्स 1/16 वैल्यू। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट पता है, तो बोला है कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन, उस इनिशियल कंसंट्रेशन को 1/16 माने 16 गुना कम हो जाएगा उसका कंसंट्रेशन, तो इतना होने में कितना समय लगेगा। तो देखो के का वैल्यू दिया हुआ है 60 पर सेकेंड, मान लें कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है आर जीरो वो है ए के बराबर या एक्स के बराबर, कुछ भी मान लोगे अपना, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है R, वह बोल रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, K बराबर 2.303/T log R0/R, ऐसा पढ़े हैं हम लोग को टाइम निकालना है ना, तो इसको इंटरचेंज कर दो, T को यहाँ लिख दो, K को यहाँ लिख दो, तो 2.303 टाइम दिया हुआ है 60 पर सेकेंड, लॉग ऑफ
आर जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो कि मान लिए हम लोग ए फाइनल कंसंट्रेशन है ए बाई सिक्सटीन या ए इंटू वन बाई सिक्सटीन थी रहने दो, तो ये कट जाएगा, कट जाएगा वन बाई सिक्सटीन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा सिक्सटीन, तो ये हो गया 2.303 बाय 60 पर सेकेंड लॉग ऑफ क्या 16। आप 16 को लिख सकते हो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं ना, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहे हैं। डायरेक्ट लॉग 16 का वैल्यू देख लो लॉग से टेबल से, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं ना ऐसे, 2 इंटू टू 4, 4 टू जाए 8, 16 हो गया। अब देखो ये ऐसा है log a टू द पावर b, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं p log a, तो जाएगा 2.303 60 पर सेकेंड, 4 को पहले ले आओ log 2, log 2 का वैल्यू हम लोग को याद रखना है, 5 तक कम से कम याद रखोगे तो 2.303 60 पर सेकेंड इंटू 4 और log 2 का वैल्यू 0.3010, यहाँ कट जाएगा 15 टाइम्स में। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे जो आएगा वही सेकेंड में हो जाएगा समय, तो ऐसे बनाएंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम लोग। फॉर्मूला याद रखोगे लॉग आएगा, तो यदि लॉग कोई वैसा वैल्यू आ गया है मतलब वहाँ जिसको सिंप्लीफाई किया जा सके, तो ऐसे ही पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर एक मिनिमम डिजिट तक उसको लेकर के जाओगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, या फिर लॉग टेबल यदि प्रोवाइडेड है तो डायरेक्ट हम लोग लॉग टेबल ही देख लेंगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर, और बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, उसको बनाया जा सकता है। 4.18 फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन so that the time required for 99% completion is twice than या इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स 90% कंप्लीशन। बोडा कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऐसा दिखलाओ कि उस रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वह दो गुना होगा किसका, तो 90% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसका। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो बोल रहा है कि इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में जो समय लगता है वह समय ट्वाइस माने दो गुना होगा, किसका दो गुना, तो उसी रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसका। मतलब हम लोग को ऐसा दिखाना है, क्या दिखाना है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस दो गुना किसका, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ कर देना है, दिखा देना है। कैसे करेंगे तो दो केस लेना होगा, केस वन फॉर 99% कंप्लीशन, एक ही वाला केस ले लो। तो इस केस में मान लो कि जो R है या R जीरो वो A के बराबर है, तो R कितना होगा यही समझना है मेन बात।
इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिए हैं हम लोग ए, 99% कंप्लीशन होने का मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इसका 99% बदल गया है किसमें, प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले इसका 99% निकालो, तो 99% मतलब 99/100 ऐसे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का 99% ही हुआ। तो इतना चीज बदल गया है किसमें, प्रोडक्ट में, लिखा हुआ है ना 99% कंप्लीशन, तो इतना चीज बदल गया है प्रोडक्ट में। तो अब बचा कितना, तो शुरू में जितना लिए थे उतना में से माइनस कर देंगे जितना बदला किसमें, प्रोडक्ट में। चूंकि आर क्या है, तो आर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, मतलब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब रिएक्टेंट कितना बचा। तो मान लिए कि शुरू में रिएक्टेंट बचा, शुरू में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ए, अब इस ए का 99% बदल गया प्रोडक्ट में, तो इसका 99% इतना हुआ। तो अब बचा कितना, तो शुरू में जितना लिए थे माइनस जितना प्रोडक्ट में बदल गया, तो शुरू में लिए थे ए माइनस इतना प्रोडक्ट में बदला है। कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो एलसीएम लो 100, ये हो जाएगा 100 ए माइनस 99 ए, तो ये 1 ये हो जाएगा, मतलब ए बाई 100 ऐसा। तो अब जो हम लोग पढ़े हैं टी बराबर क्या पढ़े थे, 2.303 बाई के लॉग ऑफ आर जीरो बाई आर, के का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ आप टी लिखेंगे 99% बराबर 2.303 बाई के लॉग ऑफ आर जीरो माने हैं ए, और ये हो जाएगा ए बाई 100। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं ए बाई ए, और 100 को ऊपर ले जाओगे तो ए कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2.303 के लॉग ऑफ 100, और 100 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब अब इसको ऐसे लिखेंगे 2 log 10, नहीं log a टू द पावर b, या log 100 का वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे, बताए थे कि जितना जीरो होता है एक के बाद वही उसका वैल्यू कहलाता है। अब इस 2 log 10 को क्या लिखोगे, 2 × 1, log 10 का वैल्यू 1 होता है, मतलब यहाँ से ऐसा आ जाएगा 2.303 बटे के log 2, क्या है टी 99% बराबर या log 2 नहीं केवल 2 आएगा ना, इसका तो 1 हो गया, 2 × 2, इसको मान लो नंबर 1 ऐसा। तो पहला केस हम लोग सॉल्व किए, अब दूसरा केस करो इसका, फॉर 90% कंप्लीशन, 90% कंप्लीशन के लिए, तो फिर से वही काम करो, मान लो कि आर जीरो है ए, तो R कितना होगा, तो इस बार 90% कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब शुरू में जितना रिएक्टेंट लिए थे उसका 90% बदल गया है किसमें, प्रोडक्ट में। तो इसका 90% कितना हुआ, A इंटू 90/100, तो इतना प्रोडक्ट में बदल गया। तो अब बचा कितना, तो शुरू में से उसको माइनस कर देंगे जैसे इधर किए थे, तो जाएगा 100A - 90A/100, तो जाएगा 10A/100, तो ये कट जाएगा, मतलब a बाई 10। फिर से अब यही फॉर्मूला लगा करके लिखो, तो इस बार हो जाएगा t 90% बराबर 2.303 के log r 0 बटे r, तो r 0 तो a माने हैं और r का वैल्यू हो गया a बाई 10, तो ये कट जाएगा, तो ये 2.303 बटे के log 10, 10 ऊपर चला जाएगा, और log 10 का वैल्यू होता है 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया टी 90%, इसको मान लो नंबर 2। अब देखो एक बात बताए थे शुरू में, जब रेट कांस्टेंट बता रहे थे कि जो रेट कांस्टेंट है ना वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए कंसंट्रेशन यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और हो रहा है, रिएक्शन सेम है इसलिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू दोनों जगह सेम होगा। यहाँ दिया हुआ नहीं है वैल्यू, तो नहीं दिया हुआ तो उसको हम वैसे ही लेकर के चलेंगे।
अब क्या करो कि वन को टू से डिवाइड कर दो, तो वन में है टी 99% बटे टी 90%, इधर क्या है 2.303 बटे के इंटू टू, और यहाँ है 2.303 बटे के इंटू वन है, तो कोई मतलब ही नहीं रहा उसको, ये कट गया, कट गया तो क्या हो गया टी 99% इक्वल टू, अब यहाँ बचा टू और ये टी 90% को उधर ले जा तो टी 90%, देखो हो गया प्रूफ। यही हम लोग को दिखाना था कि रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वह दो गुना हो जाएगा किसका, तो 90% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसका। तो यहाँ से एक सोचने वाली बात है, और सोचने वाली बात क्या है कि मान लें कि रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में समय लग रहा है 30 मिनट मान लें हम लोग, तो 99% कंप्लीट होने में कितना लग जाएगा उसको 60 मिनट। 100% तो कंप्लीट होता नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हम लोग, दो गुना। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि 90% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने में यदि लग रहा है 30 मिनट, तो अब तो 9% ही बच रहा है ना जी, 99% में से 90% को बदलने में लगा था 30 मिनट, तो बाकी का 9% जो है उसको बदलने में भी कितना लगा 30 मिनट, तब तो टोटल 60 मिनट हो गया, दो गुना हो गया। तो 90% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने में 30 मिनट लगा, तो उसके बाद का जो 9% है, उसके बाद का 9% 90% बदल गया तो अब रिएक्टर कितना बचा 10%, तो उस 10% में से 9% को फिर प्रोडक्ट में बदलने के लिए वापस 30 मिनट लगता है, तब ना जोड़ने पर हो गया ये। मतलब शुरू का जो 90% रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए 30 मिनट लगा, तो बाकी का जो अब 10% बचा उसमें से 9% को यदि प्रोडक्ट में बदलोगे तो फिर 30 ही मिनट समय लगेगा, माने 90% बदलने में भी 30 मिनट, 9% बदलने में भी 30 मिनट। तो इसका मतलब हुआ कि शुरू में रिएक्शन फास्ट होता है इसलिए 90% बदल गया प्रोडक्ट में और 30 मिनट का ही समय लगा, और जब 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया तो अब रिएक्टेंट बचा 10% माने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो इस केस में रिएक्शन का रेट काफ़ी स्लो हो जाता है, इसलिए बाकी 9% को प्रोडक्ट में बदलने के लिए फिर से 30 मिनट का समय लगेगा। तो जैसे जैसे कोई रिएक्शन आगे बढ़ता है ना, प्रोग्रेस करता है, तो वैसे इस रिएक्शन का रेट जो है घटते जाता है, डिक्रीज करते जाता है। तो ये नहीं समझोगे कि यदि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में 1 घंटा लग रहा है तो 100% कंप्लीट होने में 2 घंटा लगेगा, नहीं, उससे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते जाता है तो रिएक्शन का रेट जो है स्लो होते जाता है, इसलिए टाइम थोड़ा जो है अधिक लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं 1-2 साल का इंटरवल में, इसीलिए इसको अच्छे से करोगे, एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहाँ से भी जो है इसको करोगे, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है यह क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से कर लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का ही, क्वेश्चन नंबर 4.25 बोला है कि सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ विथ हाफ लाइफ, टी हाफ दिया हुआ है 3 घंटे, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज लेफ्ट आफ्टर 8 आवर्स। मतलब देखो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये सुक्रोज है, एसिड सॉल्यूशन है, वाटर इसमें रहेगा ही, तो ये बदल जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, इसमें से एक ग्लूकोज है, ये दूसरा फ्रुक्टोज है। बोला है कि जब इसका रेट लिखोगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, तो देखो रिएक्टेंट में 2 चीज़ें सुक्रोज और वाटर, अब फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो इसका रेट ऐसा होता है, ये केवल सुक्रोज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, power 1 H2O के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, 0 रहेगा पावर, तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। ऐसा क्वेश्चन इतना है कि सुक्रोज टूट रहा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, और यह एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है 3 घंटे, तो बोल रहा है कि 8 घंटे के बाद कितना सुक्रोज बच जाएगा, वही हम लोगों को क्या करना है
निकालना है। तो देखो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वी हैव क्या पढ़े हैं, के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर जीरो बाई आर। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज लेफ्ट आफ्टर 8 आवर्स, कि 8 घंटे के बाद सुक्रोज का कितना फ्रैक्शन बच जाता है, कितना सुक्रोज बचता है जो नहीं, कितना उसका फ्रैक्शन बच जाता है। कितना फ्रैक्शन बचने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन आफ्टर 8 आवर्स, ये निकालना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 8 घंटे के बाद जो कंसंट्रेशन है इसका रेशियो, फ्रैक्शन बोल रहा है ना, तो ये वाला टर्म, मतलब हम लोग को इस पूरे टर्म का वैल्यू पता करना है ऐसे। अब इसके लिए के तो नहीं दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 8 घंटा मतलब 8 घंटे, और हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, टी हाफ बराबर पढ़े हैं 0.693 बटे के, तो इसको इंटरचेंज कर दोगे तो ये के आ जाएगा यहाँ, टी हाफ आ जाएगा यहाँ, मैंने के की जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं 0.693 बटे टी हाफ, इधर हो जाएगा 2.303 बटे टी लॉग ऑफ आर जीरो बटे आर। अब इसमें से टी हाफ, हाफ लाइफ दिया हुआ है 3 घंटे, 2.303 ई टाइम कितना दिया हुआ है तो 8 घंटे के बाद का पूछा है, लॉग ऑफ आर जीरो बटे आर। इसी को सिंप्लीफाई करना है, हम क्या बोले कि इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है, तो पहले ये पूरा को लेकर के चलते हैं, तो हो जाएगा लॉग ऑफ आर जीरो बटे आर। अब जरा इधर देखोगे 2.303 लॉग के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के डिवाइड में, और 8 डिवाइड में, तो इधर जा करके मल्टीप्लाई में, मतलब 8 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो ऐसे हो जाएगा 0.693 इंटू 8 बाई 3 इंटू 2.303 ऐसा आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.693 इंटू 8 और उसको डिवाइड करोगे 3 इंटू इतना से, तो ये आ जाएगा 6.345। तो ये जो वैल्यू आया है लॉग आर नॉट बाई आर का आया है, हम लोग को क्या निकालना है, आर नॉट बाई आर निकालना है, मतलब लॉग को वहां से क्या करना होगा, हटाना होगा। और लॉग कैसे हटेगा, लॉग वहां से कैसे हटेगा, यार थोड़ा सा हम लोग यहां शुरू में मिस्टेक किए हैं, ये जो फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन मतलब फाइनल कंसंट्रेशन बटे इनिशियल, मतलब ऐसा निकालना है, ऐसा आर बटे आर जीरो का वैल्यू निकालना है ऐसा। और इस सॉल्व करने से कुछ दूसरा क्वांटिटी आता है, इतना नहीं है, मान लो कि यहाँ सॉल्व करके कुछ आ जाएगा एक्स मान लें हम लोग, तो ये हम लोग का आया है लॉग आर जीरो बटे आर बराबर एक्स, हम लोगों को निकालना है इस टर्म का वैल्यू, तो पहले लॉग हटाना होगा, तो लॉग हटाओगे तो उधर एंटी लॉग चढ़ जाएगा, बताएं आर नॉट आर, और ये हो जाएगा इधर एन टी लॉग ऑफ एक्स। ठीक, अब यहाँ जो वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो उसको एक्स माने थे, उसका एंटी लॉग देखोगे तो मान लो कि एंटी लॉग देखने के बाद आ गया वाई, तो ये जो वाई वैल्यू आया है किसका आया है, आर जीरो बटे आर का, हम लोगों को निकालना है आर बटे आर जीरो, मतलब ये उल्टा है, देखो आर जीरो ऊपर आर नीचे और यहाँ आर ऊपर आर जीरो नीचे, तो इसको उलट देंगे तो ये भी तो उलट जाएगा, ये अभी वाई बाई वन है, तो जब उल्टोगे इसको आर 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 जीरो तो इसको लिख देंगे 1/y, यही हो जाएगा आंसर। y यहाँ पे क्या है तो ये एंटी लॉग ऑफ x, और x क्या है इसको जो सॉल्व करेंगे सो। तो यदि ऐसा क्वेश्चन है फ्रैक्शन निकालने वाला, तो इसका मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन बटे इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन मैंने 8 घंटे के बाद जो बच रहा है, इनिशियल जो अपना रहेगा उसको लेकर के चलना है। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इसमें आ जाएगा, जो आएगा आंसर उसको हम लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, यह क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं।
तो इसको कर लेते हैं एक बार हम लोग। क्या है क्वेश्चन कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स, सो कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसको 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो उसी रिएक्शन को 80% कंप्लीट होने में कितना लगेगा। तो यहां से नहीं करना, जैसे 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट लग रहा है तो 20% हो गया 80, मतलब 4 गुना हो गया, तो टाइम को भी 4 गुना कर दो तो 40 मिनट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम बताए हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है रेट उसका घटते जाता है तो टाइम क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो 40 मिनट नहीं बल्कि ज़्यादा लगेगा। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, दो केस लेना होगा यदि इस टाइप का क्वेश्चन है। केस वन फॉर 20% कंप्लीशन, 20% कंप्लीशन के लिए मान लो कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है आर जीरो वो आर है, तो ये फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा। तो 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का 20% बदल गया किसमें, प्रोडक्ट में। तो इनिशियल कंसंट्रेशन लिए हैं ए, इसका 20% बदल गया प्रोडक्ट में, तो 20% हो गया 20/100, तो बचा कितना, तो शुरू में जितना लिए उसका 20% प्रोडक्ट में बदल गया, तो उसको शुरू वाला में से इसको माइनस कर देंगे ए माइनस इतना, तो ही हो गया इसका फाइनल कंसंट्रेशन। यह अभी जाएगा 100A माइनस 20A बटे 100, तो ये जाएगा 80A बटे 100, इसको काट दो तो ये हो जाएगा 0.80A। ठीक, अब जो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला उसको लगाओ। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, K बराबर 2.303 बटे T लॉग ऑफ आर जीरो बटे आर, इसको इंटरचेंज कर दो के, या ठीक तो है, हाँ ठीक है। तो देखो टाइम दिया हुआ 10 मिनट, कि 20% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है 10 मिनट, तो ये 2.303 टाइम हो गया 10 मिनट, लॉग ऑफ आर जीरो हम लोग माने हैं ए, और ये है 0.8A। ठीक, तो ए काट दो तो नीचे बचेगा 0.8, तो पॉइंट हटा दो तो ऊपर आ जाएगा 10, तो ये हो गया तुम्हारा क्या लॉग 10/8, तो इसको लिख देना लॉग 10 माइनस लॉग 8, लॉग 10 का वैल्यू 1 और लॉग 8 का वैल्यू टेबल से देख लेना है, जो आएगा वो होगा अपना। तो मान लो इसको पूरा सॉल्व किए, 2.303 नीचे 10 मिनट, इसका वैल्यू ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो पूरा सॉल्व करके मान लो आ गया एक्स, कैलकुलेट कर लोगे इसको, तो ये के बराबर आ गया एक्स। हालांकि यहाँ सॉल्यूशन जो है दिया हुआ है, तो एक्स यहाँ आता है 0.0223, और ये मिनट है तो ऊपर जाकर के हो जाएगा पर मिनट, इतना आ गया के। अब सेकेंड केस, केस टू, क्या फॉर 80% कंप्लीशन, 80% कंप्लीट होने में, तो इस केस में क्या मानेंगे, आर जीरो को ए ही मान लो, और ये जो R है इस पर कितना हो जाएगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का 80%, इतना तो बदल गया प्रोडक्ट में, तो बचा कितना, तो A माइनस इतना। तो इसी को डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर सकते हो, E है 1A माइनस ये लिख दो 0.8A, तो कितना आ जाएगा 0.2A आ जाएगा। तो इस बार फिर जब ये एक्सप्रेशन लिखोगे ऐसा, K बराबर 2.303 बटे टी लॉग ऑफ आर जीरो बटे आर, तो इसको इंटरचेंज कर दो, यहाँ लिख दो के, यहाँ लिख दो टी, चूंकि इस बार हम लोग को टाइम निकालना है ना कि 80% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, यहाँ टाइम दिया हुआ था तो के निकाले, और यहाँ टाइम निकालना है मतलब टी, और चूंकि रिएक्शन सेम है तो के का वैल्यू सेम होगा, तो जो यहाँ के का वैल्यू आया है इसी को यहाँ पुट कर दो, हो जाएगा 2.303 और यह है हम लोग का 0.0223 लॉग ऑफ आर जीरो हम लोग माने हैं ए, और यह है 0.2A, तो कट जाएगा, इसको हटाओगे तो 10, ये कट जाएगा 5 बार में, तो हो गया 2.303 बटे 0.0223 इंटू लॉग ऑफ 5, लॉग 5 का वैल्यू देखोगे इसको सॉल्व कर दोगे तो टाइम आ जाता है कितना, सॉल्व करके देखोगे ऐसे यहाँ के हिसाब से आ रहा है 72.18 मिनट।
ऐसे देख लो, 20% जो कंप्लीट होने में समय लग रहा था वह था 10 मिनट, और फिर 80% जो कंप्लीट होने में लगा वो हो गया 72 मिनट अप्रॉक्स यदि हम लोग देखें तो। ऐसा कितना 7 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया समय, जबकि रेट यही जो है रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में वो 4 गुना हुआ है। शुरू में 20% था, 80 हुआ, 4 गुना, लेकिन टाइम तो ऐसा नहीं है, तो 7 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है इसका रेट घटते जाता है। अब रिएक्शन के आगे बढ़ने से रेट क्यों कम होता है, समय क्यों ज़्यादा लगता है, ये आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो ऐसा ही सॉल्व करेंगे, मतलब एक केस में हम लोग के निकाल लेंगे क्योंकि टाइम वहाँ दिया हुआ रहेगा, और दूसरे केस में जब टाइम निकालना रहेगा तो वहाँ के का वैल्यू पुट कर देंगे जो फर्स्ट केस से निकाले हैं। यहाँ मेन समझना है तो इसको बता दिए हैं बढ़िया से, इसको समझ लोगे, दिक्कत होगा तो फिर पूछोगे। तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोग जितना पढ़े उसके आधार पे जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हो सकते थे उसको हम बतला दिए, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वे सारे क्वेश्चंस को जो है हम लोग आगे का लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।